पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओटू हेड पे, जो कि घग्गर नदी का पानी एक यहां पे स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं घग्गर नदी के अंदर पानी आ चुका है और 1500 से 2000 क्यूसिक पानी यहाँ पे होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस पानी के आने से किसानों को क्या कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो चीज़ हम आज जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और इस बार कितना पानी यहाँ पे आने की संभावना बताई जा रही है, कितना पानी आ चुका है, कितना पानी और आने वाले समय में आने वाला है, इसके साथ साथ तमाम जो वो खबर है जो बाढ़ से रिलेटेड है, फ्लड से रिलेटेड है, वो हम आज आपको एक विस्तृत जानकारी इस बाबत देंगे, इस माध्यम देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसानों से कि आखिर वो इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं। नाली से पानी आ गया, नाली से पानी आ गया जी। वेखो खुदाई हो ही नहीं नाली की बिल्कुल भी, तो अगह पानी छड़ते नहीं पे घग्गर दे विच, ते पिछ पहलों रोक लैणगे बाद छड़नगे पानी, तो अगह जिमीदार नुकसान है। महीने भी दिन फसल वढ़न वाली है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, नहरां बंद ने सब कुछ, तो पिछे पहलों पानी रोक लेंदे ने फिर एकोदम छड़ दें, नुकसान हुंदा है। मन बहुत फिट है जी लगाणो, घग्गर में पानी आ रही मारे नेर लैण भी लगा है, बढ़िया लगा है पानी। पानी बेनीफिट तो हमारे ट्यूबवेलों पानी खराब है, सिंचाई घग्गर का पानी बढ़िया पानी लागना फसल में दुगनी हुआ है जी। ये जो घग्गर नदी है और यहाँ के ओटू नाम ग्राम पे ये हेड बना हुआ है, इस हेड में यहाँ से आने जाने का रास्ता हमारा हर रोज गुजरते हैं और इसमें देखा था मिट्टी भरी पड़ी हुई है पूरी पूरी, और सरकार यहाँ पे जो ग्राउंड जो वाटर लेवल है वो नीचे जाने की बार बार बातें करती हैं, कनेक्शन रोकती है, किसानों के बहुत नुकसान होता है, किसानों को कनेक्शन नहीं मिलता, तो ना इसकी मिट्टी निकलवा करके इसकी गहराई बढ़ाई जाए ताकि यहाँ पानी खड़ा रहे और आसपास के 50 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर के एरिया में वाटर लेवल ऊंचा आ जाए, जिससे ज़मींदारों के किसानों के वो पानी काम भी आए, फसलों में काम आए और इसमें बाढ़ आने का जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ठीक होएगा, कई दिन तो किसान बड़े उदास ही गए, बहुत मुश्किल हो रही थी सिंचाई खातर। बहुत बेनिफिट है जी, हमारा लगभग एरिया कवर होगा, यहाँ बाखड़ा वो पानी दिया तो पीने पानी आवा, अब जी एक महीना हुआ बंद है तो हमारा सारा डिगन आ रहा भी नाली आवा पानी आ गया। देखो अभी तो यही कहना चाहना भी हाले मैं कल पानी आया घग्गर च, अज ना घग्गर नहर छड़ दिता पर नहर दोवें सुकिया पई ने, अच्छा इनू रोक दे नहर ही छड़ दे, ये पानी किसी काम नहीं आता। में पानी है, हम टहल से हैं बिल्कुल, हमारा गांव लास्ट में है नहर की, वहाँ उनमें तो पानी छोड़ नहीं रखा है, आगे पूरा खुला कर रखा है इन्होंने पानी, कौन कहेगा इनको क्या हो रहा है। अभी तक टहल पे 2 महीने से पानी नहीं पहुँचा है हमारे गांव का नाम बता दे, बेरवाड़ा खुर्द गांव है लास्ट में। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे किसानों से बात की तो कुछ किसानों का कहना है कि ये जो घग्गर में पानी आया है वो उनके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम जरूर है, आज बारिश जरूर हुई है, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों में बारिश जब नहीं होगी तब उनके लिए ये पानी उनके फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि जब ये बारिश का पानी आएगा पीछे से जो और आने वाला है, बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तब किसानों के जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम अगर बात करें इसकी कि कितना पानी यहाँ पे आने वाला है और कितना पानी अब तक पहुँचा है, तो अब तक ये जो पानी पहुँचा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अपने फतेहाबाद और सिरसा के इलाके का जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे पहुँचा है और वो करीब करीब 2000 क्यूसिक पानी अब तक यहाँ पे पहुँचा बताया जा रहा है। हमने जब बात की थी यहाँ पे ओटू हेड पे कर्मचारियों से तो उन्होंने हमें मौखिक तौर पे बताया था, कैमरे के सामने आने से मना कर दिया उन्होंने, लेकिन अगर पिछले बार की बजाय बात करें तो इस बार संभावना बताई जा रही है कि 16 से 18-19 हज़ार क्यूसिक पानी यहाँ पे आने की संभावना है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार
16,000 क्यूसिक पानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछली बार आया था, इस बार उससे भी 2 से 3 हजार क्यूसिक पानी ज्यादा आने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। अब अगर मैं आपको वो सामने वाटर लेवल दिखाना चाहूँ तो वो आप देख सकते हैं वाटर लेवल, उसमें 49.5 फीट तक पानी जब आता है तो बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 49.5 से नीचे रहता है तो पानी जो है बहता रहता है, आगे बाढ़ आने की संभावना नहीं व्यक्त होती। तो ऐसे में कुछ किसानों से जब हमने बात की तो किसानों ने एक चौंकाने वाली बात यहाँ पे हमें बताई है कि इसकी जो मिट्टी है इस O2 हेड की वो नहीं निकलवाई गई। जब हमने अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो फट्टे लगे हुए हैं उनको साइड से उनके पास से सफाई जरूर की है, लेकिन बाकी जो पूरे O2 हेड की सफाई है, जो मिट्टी निकालने का काम है, वो नहीं किया गया। अब अगर ये पानी की मैं आपको गहराई की बात करूँ तो ये पानी की गहराई महज 1 या 2 फीट ही होगी, इससे ज़्यादा पानी की गहराई ये नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे ये तस्वीरें भी देखी थी, 10-10 फीट पूरे जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक इस O2 हेड की खुदाई हो जाती 10 फीट तक, तो न जाने कितना पानी हम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, न जाने कितना पानी यहाँ पे हम रोक सकते हैं। और वो पानी जब एक तो उस खुदाई करने के दो फायदे हैं, एक तो वो पानी जो है यहाँ पे स्टोर करके रखा जा सकता है, और दूसरा उस पानी से किसानों की जो फसलें हैं वो हम लगभग 7 से 8 महीने तक सिंचाई के लिए वो पानी दे सकते हैं। तो सरकार को यहाँ इस बारे में भी सोचना चाहिए, किसानों ने भी मांग की है। और अब जो पानी इस O2 हेड से आगे जो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं पानी जो है ये पानी आगे जा रहा है, अब O2 हेड से पानी ये आगे छोड़ा जा रहा है। अगर पहले से ही खुदाई की होती O2 हेड की तो इस पानी को आगे छोड़ने की ज़रूरत ना होती। अब किसानों का कहना है कि ये जो पानी छोड़ दिया जा रहा है आगे, ये पानी किसी के कोई काम नहीं आता। घग्गर नदी में पानी आने से पहले की क्या तस्वीर थी, किसानों से आपने सुना कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं कि यहाँ पर जो है मिट्टी का भराव ज़्यादा था, लेकिन घग्गर नदी में पानी आने से पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और अब बाद की क्या स्थिति है वो आप देख। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं ये तस्वीर है घग्गर नदी में पानी आने से पहले की, और ये जो तस्वीर है ये है घग्गर नदी में पानी आने के बाद की। तो आप अब दोनों तस्वीरों में फर्क पता लगा सकते हैं कि आखिर पानी आने से पहले कितनी मिट्टी यहाँ पे जमी हुई थी। अगर इस मिट्टी की खुदाई करके इसको बाहर निकाल दिया जाता तो हम न जाने कितना पानी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते थे, और वो स्टोर किया हुआ पानी 6 से 7 महीनों तक किसानों को सिंचाई के लिए दे सकते थे। और ये जो इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वो इलाका है जो ड्राई एरिया घोषित कर दिया गया है, नए ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहे, नहरों में उनको पानी नहीं मिल रहा, और जो नाली का पानी है वो ऐसे ही व्यर्थ बहाया जा रहा है। तो ऐसे में क्यों नहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो घग्गर नदी पे जो ये हेड बना हुआ है O2 हेड, यहाँ पे करीब कम से कम 10 या 12 फीट की गहराई तक मिट्टी निकलवा दी जाए, इससे एक तो बांध मजबूत हो जाएंगे, दूसरा पानी की जो खपत है वो यहाँ पे क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, और तीसरा किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी मुहैया हो सकेगा। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।